So, fasten your seat belts. He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. तो फाइनली दोस्तों साल सन 2018 में आई एक छोटी सी कनाडा फिल्म इंडस्ट्री से एक फिल्म आई थी जिसका नाम था KGF, जिसने अपने नाम से कनाडा फिल्म इंडस्ट्री का आने वाला कल बदल दिया, क्योंकि ये फिल्म नहीं बल्कि फैंस के बीच एक इमोशन बन गई, जहां छोटे बच्चों से लेकर बड़े आदमी तक हर किसी में रॉकी भाई का स्वैग सर चढ़कर बोला है। बाहुबली की तरह ही कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, वैसे ही सवालों के साथ KGF चैप्टर 1 में कि KGF में गरुड़ा को मारने के बाद रॉकी भाई के साथ क्या हुआ था, और इस सवाल का जवाब आया 4 साल बाद जब KGF चैप्टर 2 फैंस के बीच आई और इस तरह से आई कि इस फिल्म ने अपने नाम ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड बनाए और ना जाने कितने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन चैप्टर 2 खत्म होने के बाद भी ये फिल्म भी अपने पहले पार्ट की तरह एक सवाल फिर छोड़ के चली गई कि रॉकी भाई जिंदा है या मर गया, और जिसके लिए KGF चैप्टर 2 का हर कोई बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। और आज इस फिल्म के फिल्म मेकर्स की ओर से सभी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के फिल्म मेकर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि KGF चैप्टर 3 बनने वाली है, जिस पर काम चल रहा है। और बात करें फिल्म आपको कब तक देखने को मिल सकती है, फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर ट्रेलर आपको कब तक देखने को मिल सकता है, तो आपको बता दूं दोस्तों इसके लिए आपको इंतजार करना होगा तकरीबन 1.5 साल से लेके 2-2.5 साल तक, क्योंकि जिस तरह से KGF चैप्टर 2 इंटरनेशनल लेवल पर हिट हुई है तो उस हिसाब से इस फिल्म के फिल्म मेकर्स फिल्म के छोटे से छोटे सीन पर बड़ी बारीकी से काम करने वाले हैं, ताकि फैंस KGF चैप्टर 2 की तरह ही KGF चैप्टर 3 से भी जबरदस्त तरीके से एंटरटेन हो जाए। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के तीसरे पार्ट से कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों थ्योरीज के मुताबिक KGF चैप्टर 3 की कहानी इस बार 1978 से लेकर 1981 के दौर की दिखाई जाएगी, जहां रॉकी ने विदेशों में इस दौरान किस तरह से अपना साम्राज्य फैलाया था और किस तरह से वो इंटरनेशनल मार्केट में एक मोस्ट वांटेड इंसान बन गया था जिसको दुनिया भर की कई सारी कंट्रीज पकड़ना चाहती थी। और KGF चैप्टर 2 के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिल्म से जिस तरह का टीजर निकल कर आया है उससे अब ऐसा लग रहा है कि थ्योरीज सच होती हुई नजर आ रही है। फिल्म 1978 से लेकर 1981 के बीच की हो सकती है, जहां ये दिखाया जाएगा कि रॉकी ने इस बीच क्या क्या कांड किए थे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।